अच्छा, ये है पेपर 21 ना, जून 23 का ना, इसका हम पावर पॉइंट पोर्शन करेंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ 6 स्लाइड यूजिंग द फाइल J2321 scratch.rtf। ठीक है, सबसे यस पहले हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। देखते हैं, ये आपने पावर पॉइंट पहले ओपन कर ली, ठीक है, ब्लैंक। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन, हाँ फाइल पे जाके ओपन भी नहीं देंगे? वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये होम पे, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, ये न्यू स्लाइड, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये मैंने बनाया हुआ है पेपर 2 पावर पॉइंट। तो यहाँ पे कौन सी फाइल है, स्क्रैच डॉट, ये वाली, तो इंसर्ट कर देंगे, ये आ गए। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, इसको डिलीट कर देंगे, 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद है, अच्छा, में फिर है यूज अ मास्टर स्लाइड टू डिस्प्ले ओनली द फॉलोइंग फीचर। तो हम जाएंगे मास्टर स्लाइड की तरफ, ठीक है, तो इसमें आपने जाना है व्यू। अच्छा, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और व्यू पे जाके आपने ये स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर देना। अच्छा, नॉर्मली होता है कि ये सिलेक्शन हट जाती है, तो फिर हमने दोबारा इसको, आपने स्क्रीन पर जाना, इसको सेलेक्ट कर लेना, क्लिक कर दे, ठीक है। जी अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज द मास्टर स्लाइड डिस्प्ले ओनली द फॉलोइंग फीचर, ऑटोमेटेड स्लाइड नंबर ऑन द टॉप राइट। ठीक है, तो हम मास्टर स्लाइड पे जाएंगे, टॉप राइट लिखा हुआ है। टॉप राइट का मतलब होता है कि एक तो आपने ये काम ये करना, ये नीचे ये जो दिए हुए ना, इनको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, ये आपने डिलीट कर दी। अच्छा, यस सर। तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, यहाँ पे शेप्स पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया आपने, और यहाँ पे कर दिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड नंबर होता है, ये इस पर क्लिक कर देना आप, साइड ठीक है, ओके। तो बाहर किया आपने, अंदर क्यों नहीं किया? वेरी किया ना, ये बॉक्स के अंदर है, ये अच्छा, मुझे अच्छे आपने, लाइट हमने के अच्छे सही। बॉक्स के अंदर बॉक्स ड्रॉ किया, उसके अंदर रखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें अंदर आ रहा है कि योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैरेट नंबर ऑन द बॉटम लेफ्ट, ठीक है, ये वाला पावर पॉइंट पे गए। अब आपने एक और बॉक्स लेना है यहाँ पे, ठीक, ये बॉक्स लिया और यहाँ ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक जी ये हो गया। अब
हम चेक कर लेंगे, जाएंगे व्यू पे, यहाँ पे आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है। ये देखिए हर स्लाइड पे आ रहा होगा, ऑटोमेटेड आ रहा है, ठीक यस सर, आ रहे हैं। है ना, बस यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये लिखा हुआ है अ 3 to 4 point वाइड हॉरिजेंटल लाइन अबाउट 3 centimeter फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लाइड अबव योर डिटेल एंड अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द स्लाइड। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि एक तो पावर पॉइंट पे आप जाएंगे, दोबारा हमने जाना है उसके ऊपर मास्टर स्लाइड पे व्यू पे जाएं, मास्टर थोड़ा सा आपने रिसाइज कर लेना है और व्यू यस पे जाएं रूलर, रूलर पे अगर अनक्लिक है तो क्लिक कर दें चाहते हैं। अभी ये रूलर आ गया वर्टिकल पे। जी, आ गया। अच्छा ओके, रूलर पे आपने क्लिक कर दिया, एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएं, यहाँ शेप्स पे जाएं, शेप्स पे आपने ये लाइन ले लेनी है और आपने शिफ्ट दबाते हुए इसको ड्रैग कर लेंगे हॉरिजेंटली, ठीक है ना, ये इस तरह आपने शिफ्ट ड्रॉ अक्रॉस द स्लाइड पे है ये आपने कर। अब आपने देखना है कि 9 से यानी इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको कर लेते 9 8 6 के बराबर हो जाए, ठीक है। अच्छा और हम चले जाएंगे यहाँ पे, ये शेप्स आउट है नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यस यस तो इसमें आपने इसको वेट और यहाँ से वेट पे आपने 3 पॉइंट पे सेलेक्ट कर देना, ठीक, और इसको ब्लैक कलर जाना, ब्लैक कलर दे देना, ये हो गई। अब जी सर, हो गई। जी इसको मैं थोड़ा नीचे 7 पे ले आते हैं, 9 से 8 आ गए, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का उसने बोला था ना, सर, ठीक सर। रोज मास्टर स्लाइड करेंगे, ये देखिए हर फ्लैट पे आपको नजर आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हो गया, 3 to 4 point वाइड हॉरिजेंटल लाइन अबाउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लाइट अबव योर टेल एंड अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द फ्लाइट अबव योर टेल, ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर दैट मास्टर स्लाइड आइटम अपेयर इन द सेम पोजिशन ऑफ द एवरी स्लाइड, नो आइटम ओवरलैप ऑन एनी स्लाइड, तो ये सब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा और हर स्लाइड पे नजर आ रहा है, ठीक है। 24 नंबर पे जाएंगे, फॉर्मेट द फर्स्ट स्लाइड सो दैट अ टाइटल स्लाइड लेआउट इज अप्लाइड विद नो बुलेट्स, द टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट आर सेंटर लाइन एंड इन द मिडल ऑफ द स्लाइड, तो जो टाइटल स्लाइड है इसकी बात कर रहा है इसकी, ठीक है, तो इस पे आप राइट क्लिक करें, लेआउट पे क्लिक करें और ये टाइटल स्लाइड पे क्लिक करें, ये हो गया, समझ आया, तो जी सर, राइट क्लिक करके हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है यानी ये टॉप 24 भी हो गया ना, ये दोनों यस सर, फिर है, यूज द डेटा इन द फाइल, ये अब ये इंपॉर्टेंट है जो एक्सेल वाला काम है, टू अ पाई चार्ट, हाँ, वो चार्ट तो एक्सेल बनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे ये फाइल पड़ी हुई, कौन सी फाइल थे,
J232 winner डॉट सी एस पी, ये वाले इसको आपने लग किया, इसको ओपन विद एक्सेल यहाँ पे ओपन, इसको थोड़ा वो कर लें आप, ठीक है। के बाद ओके हमने बेसिकली ये वाली रोज है ना, ये हाँ ये दोनों कॉलम ये सिलेक्ट कर लेना, यहाँ तक कर लेना, ठीक है। वो ये कह रहा है कि यूज द डेटा इन द फाइल J232 विनर डॉट सी टू क्रिएट अ पाई चार्ट टू कंपेयर द नंबर ऑफ रेस विन्स बाय ईच ग्रुप। तो यहाँ पे डिफरेंट ठीक ग्रुप्स का वो दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये डेटा। तो हमने ये ईयर वाला नहीं लेना, टोटल नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्लिक करेंगे पाई चार्ट पे, इंसर्ट, और यहाँ पे मैप्स पाई चार्ट, ये रहा पाई चार्ट, इस पे क्लिक कर दें, ठीक है। यस यस अब हम देखते हैं, इसके बाद इसने कहा था यहाँ पे फॉरवर्ड द चार्ट टू डिस्प्ले ओनली ग्रुप नेम्स एंड परसेंटेज एज सेक्टर लेवल, ओके। फिर कह रहा ले, और दूसरा इसमें से हमने ना इसको क्या कहते हैं, डू नॉट डिस्प्ले लेजेंड, एक तो ये कह रहा है डू नॉट डिस्प्ले अ लेजेंड। तो हम पाई चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ये प्लस का साइन होता है ना, ये लेजेंड को क्लिक करते हैं, ठीक। तो ये कर दिया हमने, अब बाकी चीज़ें देखते हैं। कह रहा फॉर्मेट द चार्ट टू डिस्प्ले ओनली ग्रुप नेम्स एंड परसेंटेज एज सेक्टर लेवल, अच्छा ओके। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। 26 पे क्या बोला है, लेबल द चार्ट विद द परसेंटेज विंस, ओके। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये आपने इसको कॉपी कर लें, हाँ, परसेंटेज मींस पर और इसको हमने ये चार्टर इसके ऊपर ओवरलैप या इसके ऊपर पेस्ट कर, ठीक है, वन बिन बाय ग्रुप आ गया। अच्छा, और इसके बाद 27 पे जाएंगे, 27 क्या है, फॉर्मेट द चार्ट टू डिस्प्ले ओनली ग्रुप नेम्स एंड परसेंटेज एज सेक्टर लेवल, ठीक है। तो हम जाएंगे चार्ट पे, ये चार्ट सेट कर लिया, ठीक है। हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया, प्लस साइन आ रहा है ना, ठीक है। और डेटा लेवल, डेटा लेवल में ये आ रहा है, क्या क्या करना है डेटा लेवल और मोर ऑप्शंस पे, नहीं इसमें क्या क्या देना है, ओनली ग्रुप नेम्स एंड परसेंटेज एज सेक्टर लेवल्स, डेटा का हाँ मोर ऑप्शन ये आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज नजर आ रहा है, हाँ ये रहा, या यस सर, दूसरा आ रहे ऑप्शन था लीडर लाइन, हाँ ये वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें कही इसने, फॉर्मेट द चार्ट टू डिस्प्ले ओनली ग्रुप नेम्स एंड परसेंटेज एज सेक्टर लेवल्स, फिर है पोजीशन दिस लेवल आउटसाइड ई चार्ट बार। तो इसमें अच्छा, एक तो ये हो गया,
दिस वन, ये आ गया, ठीक है, ये वाला ये ऑप्शन है, ये पोजीशन दिस लेबल आउटसाइड ई चार्ट बाय सेक्टर डिस्प्ले द परसेंटेज वैल्यू टू वन डेसिमल प्लेस। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर्स और यहाँ पे नंबर और ये वन करते हैं। परसेंटेज सर आउटसाइड एंड, हाँ ये मतलब आउटसाइड एंड नहीं करेंगे? आउटसाइड, हाँ आउटसाइड करेंगे ना, यस पर फिर भी क्लिक करेंगे ना, परसेंट में परसेंट नहीं आ रहा ना। सर परसेंट आई थिंक फॉर्मेट से आएगा सर, फॉर्मेट ये परसेंट से भी आता है कभी कभी। अभी किया था हमने, मोर ऑप्शन परसेंटेज परसेंटेज, ये वापस चला जाता है, शो लिटल एंड भी ये ठीक है, और आउटसाइड लेवल पोजीशन आउटसाइड ये भी ठीक है, अच्छा कहाँ पे नंबर कहाँ पे है, ये है ना परसेंटेज, इसको यहाँ पे वन कर लेना, ठीक है ना, आप सही है। तो जैसे yes, आउटसाइड हो गया, उसके बाद है एम्फोसाइज द ग्रुप विद द लेटेस्ट परसेंटेज विद द लार्जेस्ट परसेंटेज बाय पुलिंग ओनली दिस सेक्टर अवे सर फ्रॉम, तो इसमें क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा है ठीक है, इसको थोड़ा बाहर निकाल, ये एस, ये समझ आया, ये इसके लिए ये कह रहे थोड़ा हैं बाहर इसके लिए द निकाल। लार्जेस्ट परसेंटेज बाय पुलिंग ओनली दिस सेक्टर अवे फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, तो अदर ग्रुप्स हमने अवे कर दिया, ठीक है। अच्छा डू नॉट डिस्प्ले एजेंट, ये तो हमने कर दिया, यस डू नॉट डिस्प्ले लेजेंड सो। ये तो हो गया ठीक। उसके बाद क्या, प्लेस द चार्ट टू द राइट ऑफ द बुलेट ऑन द स्लाइड विद द टाइटल क्राइ ग्रुप साइक्लिस्ट, हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और पावर पॉइंट पर जाएंगे, और कौन सी स्लाइड थी, क्राइ ग्रुप साइक्लिस्ट, हाँ ये वाली, ठीक है, हमने इसको राइट साइड बोला ना, किस तरफ बोला है, मेरे ख्याल से राइट साइड बोला है। इसको लेफ्ट हाँ साइड, राइट
इसको लेफ्ट साइड पे रिसाइज कर दे, ठीक है ना, और इधर प्लेस कर दे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, कॉपी ठीक है, नो जी सर। वर्ड्स आर स्प्लिट, ठीक है, ऑल द डेटा एंड लेबल आर फुली विजिबल, द चार्ट कंटेंट डू नॉट ओवरलैप एनी स्लाइड आइटम, ठीक है, ओवरलैप भी नहीं करते, सारे क्लियर है और एवरीथिंग इज फाइन। अगर ऐड द फॉलोइंग टेक्स्ट एज पर्सन एज प्रेजेंटर और स्पीकर नोट टू द स्लाइड विद द टाइटल स्क्रैच ग्रुप साइकिल, इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको कह रहे हैं ठीक तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन होता है प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे फुल पेज स्लाइड और नोट्स यहाँ पे ऑप्शन होता है, नोट्स पेज ये आ गए, नोट्स पेज यस आ गया, एक पेज स्लाइड नंबर 6, एक सेकेंड, सर, अगर हम मतलब जो पी वो वेब होता है उसमें हम कोड के अलावा किसी और तरीके से वीडियो इंसर्ट करें तो मार्क कटेंगे? कोड के अलावा बोला, जी यस सर। कोड के साथ बोला तो कोड के साथ करेंगे ना, नहीं, अगर उन्होंने सिर्फ ये बोला प्लीज इंसर्ट द वीडियो, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। सर मैंने डायरेक्ट किया, सर ने मेरे 10 मार्क कट दिए। जी अच्छा, कर तो सकते हैं, वो उसको कोड आना चाहिए, वो पीछे कोड तो खुद ब खुद आ रहा होता है, यस, कोड खुद ब खुद आया क्योंकि अभी बस वो ये कह रहे हैं प्रैक्टिस की वजह से। अच्छा जी, क्योंकि अभी जो टेस्ट हुए ना सर बहुत बड़े हैं मेरे। ठीक यस और वो सर वेब का था। है, इस चीज को देखना है, ये एक चीज रहती है ना स्लाइड नोट, ये प्रिंट में ऑप्शन होता है, एक तो ये करना है कि प्रिंट ओनली द स्लाइड एज प्रेजेंट प्रेजेंट द स्पीकर नोट इन पोर्ट्रेट प्रिंटेड, तो ये मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देखते हैं ऑन द स्लाइड विद द टाइटल हैंडीकैप फॉर्मेट, अच्छा पहले ये कर लेते हैं 31, ऑन द स्लाइड विद द टाइटल हैंडस्केप फॉर्मेट द टेक्स्ट इज डायरेक्टर, सो दैट हम स्लाइड पे जाते हैं, हैंडीकैप है ना, हाँ ठीक एंड तो यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, किधर गया, फॉर्मेट द टेक्स्ट रेस डायरेक्ट, ओके फॉर्मेट, हाँ इसको फॉर्मेट करना,
है, इसे जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा ईमेल एडिटर रेडी टू सेंड। अच्छा ठीक है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन आएगा लिंक हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे टाइप करते हैं मेल मेल टू कॉलन, और ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से ERD यस सर, RD एवरेज टाइप है और RD@ कैम्ब्रिज। cambridge.org विद द सब्जेक्ट लाइन रेस हैंडीकैप। अभी सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे रेस हैंडीकैप टाइप करना है, तो सी। ठीक है, ओके कर देंगे, चला के देखते हैं। चल ईमेल से। ईमेल आ जाएगा नहीं? ठीक प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट शोइंग द लिंक टेक्स्ट ईमेल एड्रेस प्लेस इन एविडेंस। अच्छा फिर इनका एविडेंस भी ले लेना ना। जी, सेव द प्रेजेंट प्रिंट द फुल प्रेजेंटेशन एज हैंड आउट इन पोर्ट्रेट सेक्शन विद 2 स्लाइड। अच्छा 32 का देखते हैं, ये इधर फाइल पे गए प्रिंट पे गए, ये जो कस्टम 2 स्लाइड। एक पेज पे 2 स्लाइड आनी चाहिए। अच्छा इस एक ये आ गया, एक हटा दिया यार, इसको प्रिंट करना है। उससे पहले एक और चीज है, एक सेकंड में तो बताता हूँ, होल्ड करना है कुछ। अच्छा इसमें एक ऑप्शन था ना, ये वाला किधर गया, एड द फॉलोइंग टेक्स्ट एज अ परसेंटेज स्पीकर नोट टू द स्लाइड विद द टाइटल स्क्रैच ग्रुप साइक्लिंग, ये वाला इसको हम कॉपी करते हैं, प्रेजेंटेशन में जाते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ये नोट है, इस पर क्लिक करें, ये आ गया नोट्स, यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, ये
जाए, यहाँ पे नोट्स पे क्लिक करेंगे और वो जो टाइटल वाले टेक्स्ट है ना यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, जी जी समझ में आ गई। सर। अब हम जाएंगे फाइल पे, प्रिंट पे, और यहाँ पे नोट्स पे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एडिट हेडर एंड फुटर, हेडर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, और 99 99 ये आपने प्रिंट कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर देना। ठीक है, सर ये हो गया, और इसी को प्रिंट करना है ना, ये क्योंकि लिखा हुआ ना यहाँ पे कि प्रिंट ओनली दिस स्लाइड एज प्रेजेंटर स्पीकर नोट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आ रही है यहाँ पे, ये टाइटल पे ही आ रहा है। ठीक है, जी और वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक स्लाइड 6 पे करना था। ये देखो ये लिखा आ रहा है यहाँ जी सर। आर पे, और यहाँ सब्सक्राइब वेसर बना 38। ठीक है, इसको जी बैन कर, सर। और इसकी फिर मैं वीडियो आप इसकी वीडियो भी भेज देता हूँ ओके सर। सर आप बताएं, दोबारा। और क्या करना है, इसी को परफॉर्म कर लेना ना दोबारा, चले सही है सर। इसका तुम्हारे पास फाइल तो है ना। सही जी जी सर, ये वही है ना एक जो आपने 5 दिन भेजा था। 21 21 वाली ना, जून हाँ हाँ 20। सही है। अच्छा, और जो जून 23 का पेपर 22, उसकी पावर पॉइंट की तुमने? जून 23 पेपर 22। रुके मैं चेक कर लेता हूँ अभी क्लास में। वो जून 23 पेपर पेपर 22 जी जी सर की भी है। उसकी पावर पॉइंट यस की, ठीक पावर पॉइंट की है, पावर पॉइंट भी किया है, वर्ड भी किया, डेटाबेस भी किया है। भेजूं? हाँ वो भेज दो। सही में भेज रहा हूं। कौन सा फोल्डर है ये? मई जून 2023 सर। भेज दिया सर।
सारी चीजें होगी थी इसके अंदर। सर। इस बार इसको मैं एंड करता हूँ, ठीक है? तो ओके सर। यस मैं इसकी वीडियो तुम्हें भेज देता हूँ, पेपर तो है ना तुम्हारे पास, परफॉर्म जी कर लेना, ठीक जी है? ओके सर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।